सफ़ेद बालों की समस्या से परेशान हैं और यदि किसी ऐसी चीज़ की तलाश में हैं जो आपके सफ़ेद हो रहे बालों को काला कर दे, बालों को झड़ने से बचाए और साथ ही साथ आपके बालों की लंबाई को बढ़ाना स्टार्ट करे। प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की समस्या आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई दोस्तों, ज़्यादातर कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं। बालों की केयर करना स्टार्ट करें। नारियल का तेल लगा सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं, उसमें आप चाहें तो एक चम्मच कैस्टर ऑयल ज़रूर मिलाएं, जिसे हम अंडी का तेल कहते हैं। मैंने यहाँ लिया है नारियल का तेल और केवल एक चम्मच मैंने कैस्टर ऑयल मिलाया है। कैस्टर ऑयल जो होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है, कभी भी कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, किसी भी तेल में मिलाकर थोड़ा सा डाइल्यूट करके ही इसे लगाया जाता है। गंजेपन की समस्या को दूर करता है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और साथ ही साथ हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है ये तेल। दोनों तेल को मिक्स करने के बाद इसमें मिलाना है एक चम्मच मेथी, एक चम्मच कलौंजी। आप चाहें तो मेथी फेनुग्रिक सीड का पाउडर भी मिला सकते हैं, आप चाहें तो ब्लैक क्यूमिन सीड, कलौंजी का पाउडर भी मिला सकते हैं अगर पाउडर है तो। वैसे मैं तो हमेशा घर पर दोनों चीज़ों को पीस कर पाउडर बनाकर रखती हूँ। आजकल तो मार्केट में भी मंगरेल का पाउडर और मेथी के बीजों का पाउडर आने लगा। ये देखिए मैंने घर पर ही पिसा, ये कलौंजी का पाउडर है, शुद्ध पाउडर है, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। प्रोटीन से भरपूर होता है कलौंजी, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। अगली चीज़ आंवला। एक आंवला डेली खाएं, विटामिन सी से भरपूर होता है। एक ऐसी चमत्कारिक जड़ी बूटी है आंवला जो कि हमारे स्कैल्प पर जाकर ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती है। आंवले का पाउडर ले सकते हैं, सूखे हुए आंवले की फांक भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास है पाउडर फॉर्म में है तो वो ले, टुकड़ों में है तो आप वो भी ले सकते हैं। आंवला हमारे स्कैल्प से सारे डेड सेल को रिमूव करता है, इससे हमारे जो बालों की जड़ों को, मतलब बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और साथ ही साथ बालों की ग्रोथ स्टार्ट होती है। कमज़ोर बालों को मजबूत बनाएगा ये एक ऐसा ऑयल है। तो नारियल तेल और कैस्टर ऑयल जिसे मैंने मिक्स करके रखा है, इसमें मिलाना आपको सारी चीज़ों को। एक चम्मच फेनुग्रीक सीड मिला लीजिए, एक चम्मच मंगरेल जिसे हम लोग नाइजीला सीड भी कहते हैं, कलौंजी भी कहते हैं, और एक चम्मच सूखा हुआ आंवला मिला लीजिए आप इस तेल में। आप चाहें तो इस तेल को ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं, परंतु अभी मैं इसको एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए बता रही हूँ। सप्ताह में दो बार बालों में तेल ज़रूर लगाना चाहिए। रात भर तेल को लगा कर रखें। तेल की मालिश एक ऐसी चीज़ है जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। जड़ें जब स्ट्रांग होंगी तो अपने आप हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा। आंवला जो होता है हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं, एक उम्र आने पर ही बाल सफ़ेद होंगे। तीनों चीज़ों को मिक्स करिए इस तेल में दोस्तों, ये इतना पावरफुल ऑयल है। बाज़ार से तेल लाते हैं ना, कलर वाले हरे रंग के आंवले के तेल, खुशबू वाले तेल, जितना हो सके कलर वाले, खुशबू वाले, केमिकल वाली चीज़ों से बालों को बचाकर रखना चाहिए। ये देखिए सारा तेल मिक्स हो चुका। अब चाहें तो इस तेल की कटोरी को दिन भर के लिए धूप में रख दें, शाम को आप इस तेल से अच्छी तरह से मालिश करें ताकि आप इसे रात भर लगा कर रखें। अभी बारिश का मौसम है, धूप नहीं आ रही है, मेरे यहाँ भी धूप नहीं है, तो मैं इस तेल का इस्तेमाल इस तरह से करती हूँ, गर्म करके। एक बर्तन में आप पानी रख दीजिए, जब पानी गर्म हो जाए तो तेल की कटोरी को इसके ऊपर रख दीजिए। 5 मिनट तक इस तेल को चलाते हुए पका लें ताकि मेथी, कलौंजी, आंवले का सारा इन्फ्यूज़न इस ऑयल में आ जाए। हल्के गुनगुने तेल से मालिश करना है, ठंडे तेल से मालिश बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपको आराम भी मिलेगा, आपके स्कैल्प में, सिर की त्वचा पर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, इससे हेयर ग्रोथ फास्ट होगी, कमज़ोर बाल मजबूत होंगे, नए बालों को उगने में मदद मिलेगी। तो हमेशा हल्के गरम तेल से गुनगुना, जिसे हम बोलते हैं ना लिक वॉर्म, उससे मालिश करें, मसाज करें। हमेशा तेल की मालिश हल्के हाथों से की जाती है, बहुत ज़्यादा ताकत से, बहुत ज़्यादा रगड़ते हुए कभी भी तेल नहीं लगाया जाता है। तो ये एक ऐसा मैजिकल हेयर ऑयल है जो आपके बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करेगा। बाल सिल्की, शाइनी, बाल मजबूत होंगे। इस तेल को आप चाहें तो बिना छाने भी इसे लगा सकते हैं, या चाहें तो छान कर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ आपको छान कर दिखाया है। कई बार कांच की बोतल में मैं इस तेल को ऐसे ही इन चीज़ों को पड़े रहने देती हूँ, ऊपर से तेल निकाल लेती हूँ,
ताकि धीरे धीरे सारी चीज़ों का इन्फ्यूज़न इस तेल में होता रहे। थोड़ा थोड़ा हाथों में लेते जाएं फिंगर टिप्स में और अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह से मसाज करते हुए तेल को लगाएं। इसी तेल को आप चाहें ना तो सरसों तेल में भी बना सकते हैं। दो तरीके आपके लिए लेकर आई हूँ, पहला नारियल तेल और कैस्टर ऑयल, दूसरा है सरसों तेल। यहाँ पर मैंने सरसों तेल में सारी चीज़ों का पाउडर डाला है, यहाँ पर मैंने खड़ा नहीं डाला है। मेथी पाउडर, फेनुग्रीक पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच कलौंजी पाउडर डाला है, एक चम्मच आंवला पाउडर सरसों तेल में डालकर मिक्स कर दिया है। इस तेल की कटोरी को भी मैंने धूप में रख दिया था और ये तेल बनकर तैयार है। तो दोनों ही तरह से आप इस तेल को बना सकते हैं और लगाइए। इस तेल का इस्तेमाल सभी उम्र वाले कर सकते हैं, आपकी उम्र कम है तब भी इस तेल का इस्तेमाल करें, आपकी उम्र ज़्यादा है बस इस तेल को भी हल्का सा गर्म कर लीजिए, बढ़िया हल्के हाथों से मालिश करते हुए लगाएं। देखिए कैसे नहीं बालों का झड़ना बंद होगा, आप बाल एक उम्र आने पर ही बाल आपके सफ़ेद होंगे, उम्र से पहले बाल सफ़ेद नहीं होंगे। तो हल्के गर्म गर्म इस तेल से बढ़िया अच्छी मालिश करें। आप अपने बच्चों को भी ये तेल लगा सकते हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कमाल का रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना तो उनका सफ़ेद होना रुक जाएगा अगर आपकी उम्र कम है। हाँ आपकी उम्र ज़्यादा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं तब तो यह साधारण सी बात है। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप लोग हेयर वॉश करें ना, हेयर वॉश के लिए हम सभी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी डायरेक्ट शैम्पू को बालों पर ना लगाएं। बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल करने से भी बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। आज मैंने यहाँ चाय पत्ती का पानी बनाया है, चाय पत्ती को पानी में उबाल लिया है, एक चम्मच शैम्पू डाला है, इससे अब आप सिर धोइए। कोई सा भी शैम्पू लें, जो भी आप लोग पसंद करते हैं लें, तो कभी चाय पत्ती का पानी लें, कभी कॉफ़ी का पानी लें और अपने बालों की लंबाई के अनुसार ही शैम्पू की क्वांटिटी लें। बाल छोटे हैं तो एक पाउच काफ़ी है और इस तरह से शैम्पू को डाइल्यूट करें, फिर हेयर वॉश करें। 5 मिनट बाद प्लेन वाटर से हेयर वॉश करें। तेल को ले लीजिए, मैंने भी कटोरी में ले लिया है एक स्टील की। थोड़ा थोड़ा से इस तेल को मैं लेती जा रही हूँ, आप देख रहे हैं, और अपने बालों की जड़ों पर बढ़िया अच्छा मालिश करते हुए तेल लगा रही हूँ। आज मैं 58 ईयर की हूँ दोस्तों और मेरे केवल कुछ कुछ बाल ही सफ़ेद हैं। इसी तरह से नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने बालों को लंबे समय तक काला, घना और मजबूत बना सकते हैं। तो इस तेल को सप्ताह में 2 बार आप ज़रूर लगाइए दोस्तों, ख़त्म हो जाए तो आप ज़्यादा बनाकर भी इसे रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये ऑयल है जो कि आपके बालों को जल्दी सफ़ेद होने नहीं देगा। दोस्तों एक कमेंट जरूर करें, आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठकर देख रहे हैं। आप अपना नाम लिखें और जगह का नाम लिखें ताकि अगले वीडियो में मैं आपको थैंक्स बोल सकूं मेरा वीडियो देखने के लिए। तो मेरे परिवार को वीडियो कैसा लगा, मेरे परिवार को वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।